काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अपने नंबर में रिचार्ज करना होता है और हम अपने फैमिली मेंबर में से किसी को बोल देते हैं कि भाई हमारे नंबर में रिचार्ज करा देना क्योंकि हमारा रिचार्ज खत्म हो गया है। तो ऐसे में वो डिले करते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, हम खुद ही रिचार्ज कर लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी है और भाई सामने वाले ने रिचार्ज नहीं कराया और हमें रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपने रिचार्ज तो कर लिया लेकिन सामने वाला मतलब जो फैमिली मेंबर हैं आपके, उन्होंने भी आपके नंबर में सेम रिचार्ज करवा दिया। अब भाई क्या होगा, अब तो आपके नंबर में दो बार रिचार्ज हो गया ना, तो अब क्या होगा, क्या दोनों रिचार्ज प्लान आपके नंबर में साथ ही साथ चलेगा या फिर एक जो रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद चलेगा। सभी ऑपरेटर में सारी चीजें अलग अलग हैं, तो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप लाइक का बटन दबा देना। बाकी हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहली बात, आप टेंशन मत लो क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन सभी ऑपरेटर के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जियो की बात करते हैं। तो जियो में क्या है ना कि यहाँ पे अगर आपके नंबर में कभी भी गलती से दो बार रिचार्ज हो जाता है सेम अमाउंट का, या फिर अलग अलग अमाउंट का रिचार्ज हो जाता है लेकिन आपने अनलिमिटेड प्लान से रिचार्ज कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो जो प्लान है आपका, जो पहली बार आपने प्लान रिचार्ज किया वो प्लान आपके नंबर में एक्टिव हो जाएगा, और जो दूसरी बार यहाँ पे प्लान आपके नंबर में रिचार्ज हुआ वो यहाँ पे क्यू वाले सेक्शन में चला जाएगा। और जियो में क्या है कि यहाँ पे आप मैनुअली प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी ऑपरेटर में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्लान एक्टिवेट हो जाता है जब भी आपका प्लान खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे जियो में क्या है कि आप एक प्लान के साथ साथ दो तीन प्लान साथ में चला सकते हैं, लेकिन बाकी ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक या दो बार यहाँ पे रिचार्ज कर लेंगे वो, और यहाँ पे एक ही साथ सारे प्लान को एक्टिवेट कर देंगे। भाई उससे क्या होगा ना कि एक ही महीने में सारे प्लान यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो बाय द वे, अगर आपने डबल रिचार्ज कर दिया है जियो के अंदर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लान तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा प्लान वहाँ पे होगा वो क्यू वाले सेक्शन में चला जाएगा, और वो प्लान आपका जब ये वाला प्लान जो एक्टिव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी एक्टिवेट हो जाता है बाय द वे। और अगर नहीं एक्टिवेट होता है तो आप माई जियो एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे माई प्लान वाले सेक्शन में जाके वहाँ से आप मैनुअली प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं जब भी आपका प्लान खत्म हो जाए। या फिर यहाँ पे एक नंबर है, बेसिकली ये ज्यादातर जियो फोन यूजर के लिए काम आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है माई जियो ऐप में आपको जाना पड़ता है तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। इवन यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आपका प्लान खत्म हो गया तो यहाँ पे नेट तो चलता नहीं है, तो ऐसे में ये नंबर आपके बड़े काम आ जाएगा, इसको नोट कर लेना, 1-9-9-14। इस पे आप कॉल करके यहाँ पे 1 क्लिक करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपके नंबर में 3-4 प्लान चल रहा हो, मतलब क्यू वाले सेक्शन में 2-3 प्लान आपके पड़े हुए हैं, तो आप इस कोड का यूज थोड़ा सोच संभल के करना, क्योंकि भाई अगर एक ही साथ वो बोलता है कि एक्टिवेट करने के लिए एक दबाएं, तो एक्टिवेट करने के लिए आपने एक दबाया और सारे प्लान एक्टिवेट हो गए। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप माई जियो एप्लीकेशन में जाके वहां पे माई प्लान वाले सेक्शन से आप मैनुअली प्लान को देख कर वहां से एक्टिवेट करिए। और ये एक्टिवेट कैसे करना है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। बाकी अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में भी यहाँ पे सेम सीन है, लेकिन एयरटेल में यहाँ पे आप मैनुअली प्लान को कंट्रोल नहीं कर सकते। एयरटेल में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने प्लान यहाँ पे रिचार्ज कर लिया, कोई अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज कर लिया, अब तो यहाँ पे कोई भी ऐसे टॉक टाइम वाले प्लान नहीं आते हैं सिम चालू रखने के लिए। पहले 99 आता था, वो तो बंद हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए आपने 155 या फिर कोई भी प्लान को आपने दो बार रिचार्ज कर लिया अपने नंबर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्लान तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा प्लान आपने दोबारा रिचार्ज कर लिया था वो प्लान यहाँ पे क्यू वाले सेक्शन में चला जाएगा। यानी कि एक एक्टिव प्लान होता है और एक पे अपकमिंग प्लान वाले सेक्शन के अंदर वहाँ पे चला जाएगा, और वो प्लान तब जाके एक्टिवेट होगा जब आपका ये जो एक्टिव प्लान है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अपकमिंग वाले सेक्शन में जो प्लान वहाँ पे शो कर रहा होगा वो प्लान यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो एयरटेल यूजर को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका डबल ट्रिपल जितना भी रिचार्ज होता है वो सब यहाँ पे एडअप होता चला जाएगा, और जैसे ही एक प्लान खत्म होगा तो दूसरा प्लान एक्टिवेट कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम वी की बात करें तो वी में क्या है कि जस्ट एकदम एयरटेल की तरह ही है, वी में भी सेम ऐसा ही है। आपने डबल रिचार्ज किया, आपका एक प्लान तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा प्लान है वो यहाँ पे
अपकमिंग वाले सेक्शन में चला जाएगा और उसमें क्या होगा, फिर जैसे ये प्लान खत्म होता है फिर उसके बाद जाके ये वाला दूसरा जो प्लान था वो एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे वी यूजर को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप BSNL का सिम कार्ड यूज करते हैं ना, तो BSNL में ऐसा कुछ भी नहीं है। BSNL में क्या है कि अगर आपने डबल रिचार्ज कर दिया तो आपका एक जो प्लान है वो तो पैसा बर्बाद हो ही जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए BSNL में आपने कोई भी प्लान यहाँ पे डबल कर दिया रिचार्ज, तो जो पहला प्लान होगा वो यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा जैसे ही दूसरा प्लान उस नंबर में रिचार्ज होगा। तो BSNL में यहाँ पे क्यू वाला सिस्टम है ही नहीं, मतलब आप डबल प्लान को नहीं चला सकते या फिर होल्ड नहीं कर सकते प्लान को। बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको डबल रिचार्ज से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने अपने ब्लॉग पे डिटेल में आर्टिकल लिख रखा है, वहां पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके पढ़ लेना। बाकी आप हमें कॉमेंट्स में बताना कि कौन सा रिचार्ज आपने डबल कर दिया, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। बाय।